Sriman Ratan Tata Ji, Tata Memorial Center ke Director Dr. R. A. Badwe, Tata Memorial Center ke sabhi Dr. Mitra, वहाँ उपस्थित सभी students, friends, टाटा मेमोरियल सेंटर के प्लेटिनम जुबिली के अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। टाटा मेमोरियल सेंटर के 75 वर्ष पूरे होने पर प्लेटिनम जुबिली माइलस्टोन बुक रिलीज करते हुए मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। टाटा मेमोरियल सेंटर को इस मुकाम पर पहुंचाने में टाटा परिवार का अनवरत सेवा भाव और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के उनके एहसास का अमूल्य योगदान रहा है। आज इस संस्थान से इन 75 वर्षों में जुड़े रहे सभी लोगों को याद करने का अवसर है। इस किताब के पन्ने पलटते हुए मुझे 1931 में हुए उस वाक्य का पता चला। उस समय मेहरबाई टाटा कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका जाते हुए अपने पति सर दोराबजी टाटा को यह कहा था कि मैं तो खुशकिस्मत हूं कि इलाज के लिए अमेरिका जा रही हूं, लेकिन अपने देश के उन लाखों लोगों का इलाज कैसे होगा जिनके पास इतने संसाधन नहीं है। और अभी रतन जी ने भी कहा कि बीमारी अमीरी और गरीबी में फर्क नहीं करती है, अमीर हो या गरीब, बीमारी किसी के भी यहां आकर के धमकती है। मेहरभाई जी के निधन के बाद दोराबजी टाटा को ये बात याद रही और आगे यही टाटा मेमोरियल सेंटर का आधार बनी। आज 75 वर्षों के बाद ये संस्थान कैंसर के इलाज के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पढ़ाई, कैंसर पर रिसर्च, इन तीनों का प्रमुख केंद्र है। देश में ऐसे बहुत कम संस्थान हैं जो इतने वर्षों से लगातार मिशन मोड में राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। लाखों गरीबों के इलाज के लिए जिस तरह इस संस्थान ने आगे बढ़कर काम किया है, वो देश के बाकी अस्पतालों के लिए भी एक प्रेरणा का कारण है, प्रेरणा का केंद्र बिंदु है। यह संस्थान इसका भी उदाहरण है कि सरकार और प्राइवेट संगठन मिलकर कैसे गरीबों की सेवा के लिए एक साथ आकर के काम कर सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सेवा के क्षेत्र में एक उत्तम उदाहरण है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का असर किसी भी परिवार के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरने से जरा भी कम नहीं है। शरीर को कष्ट, मानसिक परेशानी,
और पैसों का सवाल, ये सभी बातें, और कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि दूर से भी पता चले कि आपको कैंसर है तो करीब करीब जैसा लगता है जैसे मैं मृत्यु के दरवाजे पर आकर के खड़ा रहा, उसको लगता है यमराज मेरे घर के पास आकर के दरवाजे खटखटा रहे हैं, इतना भय व्याप्त है इस बीमारी से। जब गरीब बीमार पड़ता है तो सबसे पहले उसके सामने दवा से पहले रोटी तथा नौकरी का संकट आता है, यानी एक प्रकार से पूरा परिवार तबाह हो जाता है। इसलिए जब टाटा मेमोरियल जैसे संस्थान, उसमें काम करने वाले लोग गरीबों के इलाज के लिए दिन रात एक करते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनकी पीड़ा कम करने के लिए अपने आप को खपा देते हैं, ये मानवता की सबसे बड़ी सेवा होती है। मैं रतन टाटा जी को, टाटा मेमोरियल सेंटर और उससे जुड़े लोगों को एक बार फिर टाटा मेमोरियल सेंटर के 75 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जब मैं आज इस संस्थान के 75 साल की याद करता हूं तो मुझे टाटा परिवार, टाटा शब्द इस देश में सेवा से जुड़ा हुआ एक पर्यायवाची शब्द बन गया है। जमशेदजी टाटा ने स्वामी विवेकानंद जी को एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में उन्होंने कहा था, विज्ञान के महात्म्य की चर्चा की थी और विज्ञान को भी जमशेदजी टाटा किस रूप में देखते थे, और उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा है 1898 में, और विवेकानंद जी को चिट्ठी लिखते हुए कहा था कि आप मेरे इस प्रयास के साथ जुड़िए, जिम्मेवारी लीजिए। किसी को भी आश्चर्य होगा कि किसी बिजनेसमैन को कोई बुलाए, किसी साइंटिस्ट को बुलाए, किसी रिसर्चर को बुलाए, ये एक सन्यासी को बुला रहे थे। और उन्होंने उसमें लिखा था कि उज्ज्वल भविष्य के लिए, देश के लिए मॉनेस्ट्री ऑफ साइंस, इसके निर्माण की आवश्यकता है। 1898 में मॉनेस्ट्री ऑफ साइंस, मैं समझता हूं टाटा परिवार के रगों में अगर सेवा भाव न पला होता, ये संस्कार सरिता न होती, तो शायद उस चिट्ठी में ऐसे शब्द प्रकट न हुए होते। और जो शब्द ही नहीं, संस्थानों के रूप में निरंतर आज देश के अनेक ऐसे संस्थान हैं जो टाटा परिवार से जुड़े हुए हैं, जो भारत के भाग्य के निर्माण में बेसिक फंडामेंटल रिसर्च में बल देते हैं। और उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी, ये आज 75 वर्ष की हम अवसर पर उसे याद कर रहे हैं। कैंसर मानवता के सामने उपस्थित बड़ी चुनौतियों में से एक है। अकेले हमारे ही देश में हर वर्ष 10 लाख से ज्यादा लोगों में कैंसर का पता चलता है। हर साल 6.5 लाख लोग कैंसर की बीमारी से मृत्यु के शरण हो जाते हैं। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने आशंका जताई है कि अगले 20 वर्षों में ये संख्या डबल हो जाएगी। इस स्थिति में
हर मरीज को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अलग अलग कैंसर हॉस्पिटलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना बहुत ही आवश्यक है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कैंसर के मरीजों को सस्ता इलाज उपलब्ध कराने में मदद मिले और इलाज के दौरान आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो उस समय कैंसर के 36 सेंटर्स कैंसर ग्रिड के साथ जुड़े हुए थे। आज 3 साल के बाद मैं संतोष के साथ कहता हूं कि इतने कम समय में ये संख्या 3 गुना करके 108 कैंसर सेंटर को इस ग्रिड के साथ जोड़ चुके हैं। अभी कुछ ही दिन पहले ही डिजिटल कैंसर नर्व सेंटर की शुरुआत की गई है। इसी तरह वर्चुअल टमर बोर्ड की मदद से कैंसर के अलग अलग एक्सपर्ट्स को एक ही समय पर इंटरनेट से जोड़कर मरीज के इलाज की रूपरेखा तय करने में मदद दी जा रही है। कैंसर के क्षेत्र में टाटा मेमोरियल सेंटर के अनुभव का, उसकी एक्सपर्टाइज का फायदा उठाते हुए उसकी मदद से देश में 4 और बड़े कैंसर संस्थानों की स्थापना करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक कैंसर सेंटर वाराणसी, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम और गुवाहाटी में बनेंगे। इससे इलाज के लिए लंबी दूरी तय करके अस्पताल तक पहुंचने वाले मरीजों को मदद मिलेगी, उनके परिवारजनों को भी बड़ी रिलीफ होगी। इसके अलावा हरियाणा के झज्जर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का भी निर्माण किया जा रहा है। साथियों, सरकार का लक्ष्य है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ते से सस्ता इलाज मिले और अच्छे से अच्छी सुविधाओं के साथ मिले। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 15 वर्षों के बाद इस सरकार ने एक नए नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई है। जब अटल जी की सरकार थी तब हमारे देश में एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी थी। उसके बाद तो दुनिया में हेल्थ क्षेत्र में बहुत बदलाव आया है। टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, बीमारियों के भी रूप रंग बदल चुके हैं। तो अटल जी की सरकार ने लास्ट में हेल्थ पॉलिसी बनाई थी। 15 साल के बाद हमारी सरकार ने पिछले महीने एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ देश के सामने हेल्थ पॉलिसी रखी है। प्रिवेंटिव और प्रमोटिव हेल्थ केयर सिस्टम को सरकार जन जन तक पहुंचाना चाहती है। सरकार का इरादा आने वाले वर्षों में जीडीपी का 2.5% तक स्वास्थ्य पर खर्च करने का हमारा इरादा है। मैं जानता हूं कठिन है, लेकिन संकल्प करके आगे बढ़ने की दिशा में हमने सोचा है। नई हेल्थ पॉलिसी में चिकित्सा की अलग अलग पद्धतियों को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, इस पर भी अधिक काम करने की आवश्यकता है। जैसे एलोपैथी के जरिए कैंसर के इलाज के समय मरीज को जो साइड इफेक्ट होती है, जो दूसरी तकलीफें उठानी पड़ती हैं, क्या उसमें आयुर्वेद है, योगा है, मेडिटेशन है,
ये कुछ चीजें मदद कर सकती है क्या? इस दिन को, इन चीजों को हम इंटीग्रेट करके एक होलिस्टिक अप्रोच खड़ा कर सकते हैं क्या? और मुझे विश्वास है कि इस बारे में आपका संस्थान भी बहुत सारे नए इनिशिएटिव ले सकता है। आज भी देश में 70% मेडिकल उपकरण विदेश से ही आते हैं। इस स्थिति को भी बदलना है, क्योंकि ये भी महंगे इलाज का एक बहुत बड़ा कारण है। और इसलिए मैं स्टार्टअप की दुनिया को, हमारी नई पीढ़ी को आह्वान करता हूं कि जैसे एक डॉक्टर्स के साथ सेवा शब्द जुड़ जाता है, मैं मानता हूं स्टार्टअप के क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस में रिसर्च हो, मेडिकल डिवाइस के मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में काम हो, सस्ते आधुनिक नए मेडिकल डिवाइस उस दिशा में हमारे देश में कैसे काम हो, स्टार्टअप्स कैसे आगे आए, उस पर भी हम बल देना चाहते हैं। और इसलिए नई हेल्थ पॉलिसी की तरह सरकार मेडिकल डिवाइस भारत में ही निर्माण को प्रोत्साहन देने की दिशा में बहुत कदम उठा रही है। टाटा मेमोरियल सेंटर जैसे संस्थानों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। आपके सेंटर के डॉक्टर के मदद से और टेक्नोलॉजी जानने वाले लोगों के संयुक्त प्रवास से भापा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने स्वदेशी रेडिएशन मशीन भाभा ट्रोन का विकास किया। मैं जब 2 वर्ष पहले मंगोलिया गया था तो देश की तरफ से मंगोलिया को भाभा ट्रोन उपहार के रूप में दिया था, और मैंने देखा था कि उस देश के लोगों के मन पर इसका प्रभाव था, वहां की लीडरशिप के मन पर इसका प्रभाव था। और इसलिए सस्ती मशीनें, बेहतर मशीनें बनाने की दिशा में भी हमें मिलकर के काम करना होगा। देश भर में हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार नए एम्स खोल रही है, मेडिकल कॉलेजों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर सीटें बढ़ाई जा रही हैं, गरीबों को सस्ती दवा के लिए भारतीय जन औषधि परियोजना शुरू की गई है, 500 से ज्यादा दवाइयों को उसके दाम कम करके उन्हें एसेंशियल दवाइयों की लिस्ट में रखा गया है। आपने देखा है कि कैसे स्टेंट की कीमत में भी 85% तक कमी आई है। ऐसे अनेक फैसले हैं जो एफोर्डेबल हेल्थ केयर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लिए हैं। हेल्थ केयर से जुड़े लोगों को ध्यान रखना होगा, और मुझे कोई हक नहीं बनता है शब्दों में आपसे कहने का, लेकिन एक बात निश्चित है, आपने भी अनुभव किया है कि आज भी हमारे देश में सामान्य मानवी के मन में डॉक्टर भगवान का रूप होता है। जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है तब उसको भगवान डॉक्टर के रूप में ही नजर आते हैं, और उसके मन में एक भाव होता है कि मैं जब मेरा जीवन आपको आपके सामने खड़ा है तो आप भगवान के रूप में मुझे जरूर बचा लेंगे। भगवान ने मुझे ये सृष्टि में आने का अवसर दिया है, ये सृष्टि में जीने का अवसर आप देंगे, ये भाव सामान्य मानवी के मन में डॉक्टरों के प्रति होता है। हमें कभी भी इस मार्ग से विचलित नहीं होना है, और आज भी इस प्रोफेशन के प्रति इतनी श्रद्धा इसलिए है कि सभी पीढ़ियों ने जो इस प्रोफेशन से जुड़े हैं उन्होंने इस व्रत का पालन किया है, जी करके दिखाया है, और उसी का परिणाम है, उन तपस्या का परिणाम है कि आज भी डॉक्टर के प्रति वही श्रद्धा है।
और इसलिए हमारे यहां कहा गया है सेवा परमो धर्म है। आप सेवा भाव से जुड़े हुए हैं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। और हजारों लोगों की जिंदगी आपने बचाई है, लाखों लोगों को जीने का आपने अवसर दिया है। 75 साल की यह साधना एक प्रकार से मानव जीवन की उत्तम सेवा की साधना का ये अवसर है। वहां बैठे हुए और इस क्षेत्र में काम किए हुए हर किसी के लिए इससे बड़ा कोई संतोष का कारण नहीं हो सकता है कि 100 बेड से शुरू हुआ एक काम आज एक विशाल वटवृक्ष बनकर के देश की आशा आकांक्षा का केंद्र बन गया है, हेल्थ सेक्टर में एक सेवा का क्षेत्र बन गया है। और इसलिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को टाटा मेमोरियल सेंटर के 75 वर्ष पूरा होने पर अनेक अनेक बधाइयां, अनेक अनेक शुभकामनाएं। और आपने अपनी सेवा भाव से आज एक माइलस्टोन को पार किया है, बुक विमोचन का मुझे अवसर दिया। और मैं विशेष रूप से रतन जी का आभारी हूं, क्योंकि मेरी अपेक्षा नहीं थी कि वो यहां आए। मैंने उनसे आग्रह किया था आप मुंबई हैं, वहीं आप पहुंच जाइए, मैं हम वीडियो पर मिल लेंगे। लेकिन ये इस परिवार के संस्कार है, आयु में मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, जीवन में अनुभव बहुत बड़ा है, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं। उसके बावजूद भी इस उम्र में रतन जी सुबह चल करके दिल्ली आए और उनका आग्रह रहा कि नहीं मैं स्वयं आपके पास रहूंगा और इस कार्यक्रम में वहां से शरीक होऊंगा, ये उनकी नम्रता हम सबको प्रेरणा देती है। और यही तो तपस्या होती है। आप सब भाग्यवान हैं कि उनके नेतृत्व में उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आप लोगों को कार्य करने का अवसर मिला है। जिस इंस्टीट्यूट के साथ टाटा नाम जुड़ा हुआ है, जो सेवा का पर्यायवाची शब्द है, मैं समझता हूं ये आने वाले दिनों में हेल्थ सेक्टर में देश को बहुत बड़ी शक्ति देगा। इसी एक आशा अपेक्षा के साथ उपस्थित सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।